देखो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो व्यक्ति कहता है उसके पास टाइम नहीं है, जो मैं कहता हूँ वो अपनी लाइफ में खुद ही अस्त व्यस्त है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं तो टाइम हर किसी के पास है और हर किसी के पास नहीं है। अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ टाइम लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। ये चीज जब व्यक्ति के अंदर सभी जीवन जीते हैं, जो व्यक्ति कुछ अलग जीवन अपना बना लेता है तो वही सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो हम अपने टाइम को देखते हैं कितना टाइम कौन से कितने तक करना है। एक तो पहले इंटेलिजेंट, मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ ही कार्य सक्सेस होने के लिए इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें जब हम जीवन में फॉलो करते हैं जैसे पंक्चुअलिटी, अब टाइम को हम सही तरीके से सही ऐसे हमने किसी ने आपने 3 बजे का बोला ना तो हमने टाइम को खुद बोला आपसे 3:30 बजे। अगर हम 5 मिनट भी लेट होते तो हमारे अंदर ही नकारात्मकता आती, अरे हम पहुंच नहीं पा रहे क्या बात। टाइम टू टाइम हम मैनेज करते, अगर किसी ने 3 तो 3, 4 तो 4, अगर नहीं है तो उसका रीजन दीजिए। किसी का अगर कॉल आया तो उसका हमें तुरंत जवाब देना चाहिए, अभी अवेलेबल नहीं हो। और ये भी जीवन में बहुत नकारात्मकता लाती है जब हम किसी का कॉल इस तरीके से बिहेवियर करते हैं तो हमारे साथ भी कोई ऐसे बिहेवियर कर सकता है। हमें निष्ठा रखनी चाहिए, इथिक्स होनी चाहिए, अच्छी तरीके से वार्तालाप करना चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहिए, हमें जिम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, हमें खुद से भी सवाल जवाब करना चाहिए, कोई अगर हमको सही गाइडेंस दे रहा है उसको सुनना चाहिए, हम कुछ गलत कर रहे हैं हमारी कुछ गलतियां उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें टैलेंट की जरूरत है आप बताइए। अगर ये चीजें व्यक्ति जीवन में फॉलो कर लेगा तो ऑटोमेटिक सक्सेस बन जाएगा, एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो हमने ये जीवन में फॉलो ये किया कि हमें किस टाइम पर क्या कार्य करना है, ये हम पर डिपेंड करता है, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। आप बैठिए इतना टाइम है, नहीं, टाइम की एक लिमिट होती है, अगर आप लिमिट से नहीं तो टाइम की आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो टाइम आपको अनरिस्पेक्ट कर देगा जीवन में। जब टाइम निकल जाता है तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता जीवन में। तो हमें सफलता या सफलता ना मिले बट जब टाइम का सही तरीके से हम जीवन में यूटिलाइज करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस बहुत मिलता है। जब एक्सपीरियंस जब हमारे जीवन में होता है तो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन के साथ साथ हमें दूसरों को सही तरीके से रास्ते पर मार्ग दिखाने का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जीवन में असफलता और सफलता दोनों को अहम रोल होता है। सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और असफलता जब जीवन में आती है तभी हम विनम्रता सीखते हैं। विनम्रता जीवन में बहुत ही अति आवश्यक है अगर सफलता प्राप्त करना है।